नमस्कार, हम देवेंद्र आपको बता दें, आज हम झांसी के वार्ड नंबर 26 के अंदर खाती बाबा में मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी से युवा प्रत्याशी दावेदारी कर रहे हैं शैलेंद्र कुमार वर्मा जी, जो सिलू भैया के नाम से पूरे वार्ड में प्रसिद्ध हैं। आपको बता दें, खाती बाबा एक बेस्ट इलाका कहा जाता है, जहां पर अच्छी खासी वोटिंग है, 7 से 7.5 हजार की वोटिंग है। हमारे बीच में सिलू भैया मौजूद है, उनके शुभचिंद तक उनके भैया तीनों लोग मौजूद है। इनसे जानते हैं कि आखिरकार वार्ड के अंदर कांग्रेस से दांव पेज लगाकर किस तरीके से वार्ड के अंदर मेहनत कर रहा है। तो अगली आवाज पार्षद प्रत्याशी सिलू भैया। सिलू भैया, सबसे पहले तो हम अपने सम्मानित भाई का अभिवादन करते हैं, जिन्होंने हमें इतना समय दिया थोड़ा सा। और सबसे पहले हम अपने बाड़वासियों, बुजुर्गों, भाइयों और नारी शक्ति का अभिवादन करते हैं। अच्छा, कहाँ से कहाँ घुसे आज चुनाव में आप? अच्छे खासे काम धंधा कर रहे थे। पहले हम ठेकेदारी करते थे। क्या है कि हमने ये देखा है कि हमारे वार्ड में कुछ ऐसी समस्या है कि नालियों की, सड़कों की, गड्ढा मुक्त, कहीं सड़क भी नहीं है। भाई, जो वार्ड झांसी हमारी स्मार्ट सिटी में आ चुका है, तो हम ये चाहते हैं कि हम वार्ड की जो समस्या है, हम सभी उस समस्या का निदान चाहते हैं। सबसे बड़ी बात थी तो उस समस्या को क्या है कि सभी ने भाई पार्षद की गद्दी पे सभी बैठे, हम ये देखते हैं कि नाली, कहीं कहीं नालियां भरी हुई हैं, कहीं कहीं गड्ढे हैं सड़कों में, और कहीं कहीं तो सड़क ही नहीं है। पहली चीज तो ये है, हम ये जानते हैं जब स्मार्ट सिटी में हमारा वार्ड आ गया, तो स्मार्ट सिटी में हमारे वार्ड को नंबर वन पे होना चाहिए। ये कुल मिलाकर सिलू भैया क्या बोलो कि झांसी स्मार्ट सिटी तो है, परंतु साफ सफाई के माध्यम से पीछे है, ये क्या वो है? बिल्कुल सत्य बात है। क्या लगता है, कैसा आश्वासन जनता वर्तमान में दे रही है? भाई, हम तो जनता का आशीर्वाद चाहते हैं, और जैसा आगे जनता का सहयोग मिलेगा, तो आप उनके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ सदन में उनकी जो मांगे हैं, जैसे कि वार्ड में जो भी गंदगी है, या नालियां भर रही, या गड्ढे हैं कहीं कहीं जगह जगह, पुलियां टूटी हैं, सो उनका हम सुचारू रूप से तत्काल प्रभाव से सदन में आवाज उठाएंगे और काम करवाएंगे। अच्छा, जो बताओ कि बाढ़ के अंदर लगे हुए मेहनत कर रहे हैं, कि जैसे पहले पास प्रत्याशी अवे होगा, जैसे पहले कभी दुख सुख में बाढ़ के बीच में गए, हमारे मौत में कभी पेश भय का नहीं भय जनता से? बिल्कुल, जहां जहां कोई गमी हुई, कैच हुआ, तो हम बाढ़ में हमेशा सभी के साथ में रहे हैं। कुल मिला के काफी दिन से मेहनत कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने लोग आपके संग में लगे? हमारे इस परिवार में 8 से 9 लोग हैं, जैसे मम्मी, पापा, भाई बहन, सब मिला के सब मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, जो बताओ, और भी प्रत्याशी दांव आजमा रहे हैं, आपको व्यक्तिगत का व्यवहार है जनता के प्रति? भाई, जनता के प्रति कभी हमारा व्यवहार ऐसा है कि हमने कभी किसी से गलत नहीं बोला। हाँ, मतलब ये नहीं कि हम 4 लड़के लेके चौराहे पे खड़े हो गए, लड़ाई लड़ रहे, ऐसा कुछ नहीं है हमारा व्यवहार। मतलब ये नहीं है कि हम सभी से, बड़े हैं पैर छू के सम्मान किया, छोटे हैं भैया राम राम, मतलब कभी किसी से ये नहीं गलत कहा कि हमने कि नहीं, अरे वो तो फलाना है, वो फलाना, ये कभी कुछ नहीं कहा। भाई, सबका सम्मान किया ये। अच्छा, वार्ड के अंदर चुनाव लड़ रहे हो आप, तो जनता का जो प्यार मिल रहा है आपको, क्या आपको प्यार के साथ साथ वोट मिल पाएगा? हमें जनता का पूरा पूरा आशीर्वाद है, और जहां तक है जनता हमें अपने वार्ड से अपना आशीर्वाद देके ही आगे बढ़ाएगी। चलो भैया, ले चले सिलू भैया को, शुभचिंद तक बगल में बैठे, सुनना है काफी। अब राम राम भैया, काफी अब भैया, सिलू भैया आपके मैदान में। सिलू भैया अब उतरे हैं 26 नंबर वार्ड से, अब मेहनत इनकी बहुत जोरों शोरों से है, और बस अब यहाँ की जनता और कांग्रेस अगर इन्हें टिकट देती है तो बहुत दम जोर से, बहुत दम से लगेंगे। क्या हुआ भैया सिलू भैया के बारे में? इनका काम अच्छा चल रहा है, वार्ड नंबर 26 में सब जगह अपना धीरे धीरे भ्रमण करके, मतलब जो भी समस्याएं हैं उनको पूरा करेंगे, और हमारे जो मतलब कांग्रेस के सम्मानित और कार्यकर्ता और क्या नाम, शहर अध्यक्ष मनोज गुप्ता जी हैं, प्रदीप जैन आदित्य जी हैं, इन लोगों के दिशा निर्देश से ये सुचारू रूप से काम करेंगे टिकट को कंफर्म होते हुए। उसके बाद ये हर जगह के काम को देखेंगे अपना, आगे के जो भी इनके मतलब दिशा निर्देश ऊपर से जो दिए जाएंगे इनको, उसी सुचारू रूप से ये इनको करेंगे। चलो भैया, क्या आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं जनता से? जनता से हम आशीर्वाद ये चाहते हैं कि जनता हमें भारी बहुमतों से विजयी श्री दे।